अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे। चैनल का नाम है शनाज़ शाहिद और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कोई एक साल पहले और मैं बनाती थी वीडियोस एंटरटेनमेंट पे जिसमें पिक्चर्स होती थी और मेरी वॉइस ओवर होती थी। मैं सामने नहीं आई थी कभी भी, लेकिन लास्ट ईयर अगस्त 2022 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे या जो जो बाद में आए, जिन्होंने बाद में सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेरा सामने आने का जो मकसद था वो अपनी कैंसर जर्नी आपके सामने बतानी थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, ताकि जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स जो ला इल्म होती हैं इस बीमारी से, जो है उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सके कि वो अपना टेस्ट करवाएं और खुदा नखास्ता अगर हो जाता है डायग्नोज तो उससे किस तरह जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ईच एंड एवरी थिंग ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट जितना भी था मैंने सारा यहाँ पर अपने चैनल पर जो है वीडियोज़ डाली हुई हैं। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है, जाके देखना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल विज़िट करें और वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज 17 जून 2023 है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो के कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त में 2022 में, उसका कल जो है इख्तिताम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तीन जो है वो मेन प्रोसीजर्स थे जिनके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगी। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती रही हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन अब चूँकि मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, मेरे तीनों प्रोसीजर्स जिसमें कि टेस्ट, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन, ये सारी चीज़ें मेरी डन हो चुकी हैं, तो अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। बोर मत होइएगा क्योंकि ये एक केस स्टडी है, एक एग्जांपल है कि इस तरह की बीमारी, जानलेवा बीमारी, मूजी बीमारी अगर आपके अंदर बन जाती है, कि आपको डायग्नोस हो जाता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरा यहाँ सामने आने का मकसद यही है कि आजमाइश और या इस तरह की कोई बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो ये हमें बड़ा दिल करना चाहिए था और उस बीमारी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला उस हमें हिम्मत भी देते हैं, हमें हौसला भी देते हैं और हमें सुरखरू करते हैं। कभी ये होता है कि कैंसर हरा देता है इंसान को, इंसान को मार देता है, और कभी इंसान कैंसर को हरा देता है, और मैंने कैंसर को हरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, वो सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं, उन सब का थैंक यू सो मच, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका, पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं, बहन भाई तो मेरे हैं नहीं, मेरे कोलीग्स का, वो सारे लोग जिनको पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है और जिन्होंने दुआएं मांगी, बार बार मांगी, दिल से दुआएं मांगी, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि मैं तो दुआएं मांगती थी अपने लिए, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे लिए दिल से दुआएं मांगते थे। मेरे मामू का शुक्रिया जो कि खुद डायलिसिस पेशेंट हैं, उनकी डायलिसिस होती है एक दिन छोड़ के, और मुझे मिलने भी आए और बहुत सारी उन्होंने दुआएँ की, और मैं अगर यहाँ पर आज बैठी हुई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और इस बीमारी को हरा चुकी हूँ, तो सिर्फ मेरी जो मोटिवेशन थी वो मेरे मामू हैं, कि उनको जो है कोई 22-23 साल से जो है वो डायलिसिस पे हैं और उन्हें हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी है तो कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती, अदरवाइज़ जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं 2-3 साल सर्वाइव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मामू को जब डायलिसिस हुआ उसके बाद जो बच्चे हुए थे, छोटे 2 बेटे माशाल्लाह, और वो भी जवान हो चुके हैं और वो अपने बाबा को ड्राइव करके ले जाते हैं डायलिसिस के लिए, तो इतनी ज़िंदगी हो तो बीमारी कोई भी नहीं मारती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, वो वीडियो भी मैं याद करूँगी जब मैंने
फर्स्ट वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है सेकंड लास्ट स्टेज, और आज मैं बैठी हूँ 10 माह कंप्लीट होने के बाद के अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और फ़िलहाल अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है। पता नहीं क्यों मैं फ़िलहाल कहती हूँ, रब से दुआ है कि दोबारा कोई सिस्ट ना बने, ये बीमारी फिर कभी मेरी बॉडी में ना बने, नहीं आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब स्टार्ट लेते हैं और चलते हैं वापस पिछले साल अगस्त 2022 में, जहाँ पे मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही मैंने जाके जो है अपॉइंटमेंट ली थी, मेरी फ्रेंड से कहा था कि मेरी अपॉइंटमेंट ले लो क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड करवाती है, चेक करवाती है, एवरी 6 मंथ उसका चेकअप होता है। और उसके बाद 6-7 महीने तक जो है वो पर्चा मेरे पास पड़ा रहा, मैंने आज करवाती हूँ कल करवाती हूँ, फाइनली फिर मैंने एक दिन गई अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें जो है धमाका हुआ, मेरे बम गिरा और मुझे पता चला कि भाई कैंसर है मुझे। और तब मुझे पता नहीं था स्टेज कौन सा है, और जब रिपोर्ट कलेक्ट की डॉक्टर के पास गई तो फिर उन्होंने कहा बायोप्सी होगी, बायोप्सी में पता चला कि सेकंड लास्ट स्टेज है और कैंसर की जो टाइप है वो फीमेल थी। उसके बाद मेरी जो है टेस्ट स्टार्ट हुए, जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट थे, जिसमें अपना जो है बोन स्कैन था, सीटी स्कैन था और बहुत सारे टेस्ट थे, ईसीजी था और इको था। ये सारे टेस्ट होने के बाद, बायोप्सी होने के बाद जो है मेरी कीमो स्टार्ट हुई। 16 डोज थे और 4 हाई डोज थे। और जनाब कीमो स्टार्ट हुई, सबसे जो पहला प्रोसीजर था कीमो का था, और शुरू के जो 4 हाई डोज थे उसमें ये था कि वो 21 डेज के बाद एक कीमो लगती थी और उसके बाद जो 12 थे वो वीकली लगता था। कीमोथेरेपी इसलिए की जाती है, ये मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी में जो ब्लड होता है और जो पानी होता है वो उसको ख़त्म कर देता है वो, और उसका मकसद ये होता है कि जो बॉडी में कैंसर की जो सिस्ट बनी है, जो जर्म्स हैं, उनको जलाया जाता है कीमो दे के, कीमो का ये मकसद होता है। और वो ये इतना पेनफुल और इतना डेंजरस है, पेनफुल मतलब लगाते हुए तो एक जो है वो कैनोला पास होता है और उसमें जो है वो ड्रिप के ज़रिए ये जाती है, इंसर्ट की जाती है, लेकिन जो है अच्छा वीडियो कीमो लगवाते हुए भी मेरी वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये एक आपका डोज लग गया, उसके बाद जो है जब आपका सेकंड डोज की बारी आती है तो फिर आपका सीबीसी काउंट नॉर्मल होना चाहिए। अब जब एक कीमो अंदर इंसर्ट हो गई, चली गई, ब्लड ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कैंसर अंदर कैंसर को चलाता है, उसको साइज़ को, सिस्ट के साइज़ को कम करता है, तो फिर और फिर मुँह का कड़वा टेस्ट इतना ज़्यादा कड़वा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आपका जो है नेक्स्ट डोज से पहले आपका जो सीबीसी काउंट है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं होता था। और उसके बाद जो सीबीसी काउंट नॉर्मल नहीं होता था तो फिर जो है वो एक इंजेक्शन आता था जो पेट की खाल में लगता था, जिसके बाद फिर वाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ते थे, इंक्रीज होते थे, और फिर जाकर मेरा कीमो लगता था। इसी तरह हर बार ऐसे ही होता था, हर कीमो से पहले फिर सीबीसी काउंट जो है वो चेक किया जाता था, पहले रिपोर्ट चेक होती थी फिर जो है कीमो लगती थी, और मेरी हर बार रिपोर्ट ठीक नहीं आती थी, क्योंकि आपका ये मुँह पूरा जल जाता है, मुँह में छाले हो जाते हैं, दिल खराब हो जाता है, आप टेस्ट हो जाते हो, आप रोटी खाते हो तो आपको ऐसा लगता है आप टिश्यू चबा रहे हो, किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं रहता, मतलब कुछ भी आप पी लें खा लें नहीं पता चलता, ना आपका दिल करता है, मतली वोमिट, बहुत बुरी कंडीशन होती है। एनीवेज ये मेरी कीमोथेरेपी जो है वो 7 मंथ्स चली, 16 डोज कंप्लीट हुए मेरे, उसके बाद जो है मेरे कुछ और टेस्ट हुए और फिर मेरी सर्जरी हुई 6 अप्रैल 2023 को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रेस्ट कैंसर था, लेफ्ट साइड थी मेरी, और ये मेरे अंडर आर्म जो एक्सला है यहाँ पे मेरी सिस्ट थी कैंसर की। और जब कीमो हो गई तो फिर डॉक्टर ने यही कहा था कि हम पहले छोटे ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, अगर जो है कीमो की वजह से बीमारी ख़त्म हो चुकी है तो हम छोटा ऑपरेशन करेंगे और कट लगा के, अगर हमें बीमारी नज़र आई तो फिर हम बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तो ये हुआ कि जब उन्होंने 7 घंटे का मेरी सर्जरी हुई, उसी के दौरान कट लगा के जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि बीमारी थी,
और उन्होंने मेरी यहाँ की पूरी सफाई कर दी और जितना भी था सिस्ट वगैरह सब निकाल दी हैं। अब ये बाजू ऐसा है कि बस ये जस्ट लगा हुआ है और इसके इसमें जान मतलब ऐसे है कि मतलब वज़न उठाने से मना किया हुआ है और बस कभी यहाँ पे पेन रहता है, कभी इस तरह पेन रहता है, तो मतलब एक्सरसाइज का भी बोला है। और मतलब ये है कि इस बाजू के अंदर से सारा जो मवाद था कैंसर का वो सारा तो निकाल दिया है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एहतियात करने का कहा है कि बस ये हाथ आपने बस एक्सरसाइज के लिए यूज़ करना है, बाकी किसी और काम में यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा ब्रेस्ट का मैं बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर ने कहा कि जो है ज़्यादा मसला था वो बगल में था और ब्रेस्ट में इतना मसला नहीं था, छोटी सी सिस्ट थी जो कि कट लगा के उन्होंने रिमूव कर दी और मेरा जो है ब्रेस्ट 100% सेव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है सर्जरी मेरी हो गई तो उसके बाद जो है जो है वो रेडिएशन स्टार्ट होनी थी। रेडिएशन से पहले का प्रोसीजर ये था कि उसमें पहले सीटी स्कैन होता है और उसके बाद जो है वो मार्किंग होती है कि रेडिएशन किन किन जगहों पे किन पार्ट्स पे होती है। फिर वो जो है मेरा जो शेड्यूल बना रेडिएशन का वो 20 थी जिसमें संडे को नहीं होती थी और डेली रेडिएशन होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी मशीन होती है जैसे सीटी स्कैन या बोन स्कैन की मशीन होती है, उस टाइप की तो नहीं होती, लेकिन ये कि स्ट्रेचर पे लेटना होता है, ऊपर मशीन आपकी घूम रही होती है और जो पार्ट्स आपके मार्क हुए हुए हैं वहाँ पे उन रेडिएशन होती है। तो ये रेडिएशन मेरी स्टार्ट हुई थी और कल जो है 16 जून को मेरी आखिरी थी, 20वीं थी, रेडिएशन भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है इन तीनों प्रोसीजर्स के बाद वो ये है कि मुझे टैबलेट्स दी हैं डॉक्टर ने, एक सुबह एक शाम को खानी होती है, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे, और मुझे इंजेक्शन लगा था और एवरी 3 मंथ्स में मुझे इंजेक्शन लगा करेगा 5 साल तक, और सुबह शाम मुझे ये टेबलेट खानी होगी वो भी 5 साल तक। तो ये मेरी मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में बताया है ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। और ये कीमोथेरेपी का जो सारा 7 महीने का प्रोसेस था, डेली मैं वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी सर्जरी का जो भी अपडेट थी वो भी चैनल पे मौजूद है और जो रेडिएशन थी वो भी डेली मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और उसका भी सारा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप सब लोगों की जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी लोग हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, व्यू करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन जब मेरी ये सर्जरी का वक्त करीब आ रहा था, जब मेरे चल रहा था, तब बहुत ज़्यादा थी सिस्टर्स जो बहुत सारी दुआएं भी दी उन्होंने और बहुत मुझे हिम्मत हौसला दिया, बहुत सपोर्ट किया। आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे जो है सास ससुर, मेरे मामू फुपियाँ खाला, हर वो इंसान जिस किसी ने, मेरे ऑफिस स्टाफ, मेरी कुलीग्स, मेरी मैम, मेरे बॉस, और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, जिन्होंने मुझे दुआएँ की, जिन्होंने मुझे साथ दिया, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी दिल से। अल्लाह ताला का तो दिन रात करती हूँ, सोते हुए भी, आँख खुलती है तब भी, और जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैं कैंसर को हराने में कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।